भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर 17 सितंबर को नजफगढ़ में एमसीडी जोन में जवान और किसानों का सम्मान समारोह दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नजफगढ़ एमसीडी जोन में किसान मोर्चा जिला नजफगढ़ ने देश के जवान और किसानों को सम्मानित किया। भाजपा किसान मोर्चा के जुझारू ऊर्जावान और तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी ने किसान और जवानों को सम्मानित किया। नजफगढ़ जिला के किसान मोर्चा जवान और किसानों को सर्टिफिकेट और साल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नजफगढ़ के 60 गांव के 200 किसान और 50 जवानों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में दिल्ली देहात में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन किसान मोर्चा अध्यक्ष रमेश गहलोत व विजय सोलंकी जिला नजफगढ़ द्वारा किया गया। नई दिल्ली से मारी दास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और आज के दिन जगह जगह हवन हो रहे। मैं अपने ज़िले की बात करूं तो 10-15 जगह तो हवन हो रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। हमने किसानों का प्रोग्राम किया, इसमें जवान और किसान का सम्मान किया। पूरे देश में जैसे प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपना प्रण उठाया था, उन्होंने वो पूरा किया। और अभी आपने देखा होगा MSP के रेट गेहूं के 40 रुपए और जौ के, चने के, सरसों के। हमने आज कम से कम 50 तो जवान थे और 200 के करीब किसान थे, उनका सम्मान नजफगढ़ जिला किसान मोर्चे ने किया है। और हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें हमारे प्रभारी सुरेंद्र जी, कनिका जी और राजेश अग्रवाल जी, अपने महामंत्री जयविंदर डागर जी, नरेश मान जी, विजय शर्मा जी, विजय सोलंकी जी हमारे उसमें आए थे, विनोद सहरावत जी भी आए थे और तमाम जितने भी लोग थे वो सब किसानों का नरेश मान भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से किसानों की सम्मान में, किसानों की कल्याण के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आज उनके जन्मदिवस पर हमारे किसान मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया है, किसान मोर्चा बधाई का पात्र है। हमारे नजफगढ़ ज़िले में जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव से यहां पर किसान आए हैं, उनका सम्मान पगड़ी बांध करके उनको प्रशस्ति पत्र दे करके किया जाएगा। और बहुत सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम में हम सब प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की और उनके स्वास्थ्य मंगल कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम को हमने मनाया। आज किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और दिल्ली में 365 गाँव में ये किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और दिल्ली देहात में काफ़ी उत्साह है जन्मदिन पे। आज जैसे मैं मेरे खुद आज ये ना 10 कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी कम से कम 10-12 कार्यक्रमों में और जाना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में एक निर्णय लिया गया कि जिस तरह से किसानों के लिए, जवानों के लिए काम किया है और गरीबों के लिए, सबके लिए जो कार्य किए हैं, उसको हम एक समर्पित भाव से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का हम जन्मदिन मनाएं। और पूरे देश में ये अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो गौशाला में जा करके चारा डालने की बात हो, चाहे मंदिर में जा के हवन करने की बात हो, चाहे अपना ये वृद्धाश्रम में जा करके बुजुर्गों के लिए सेवा भाव से हम ये जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरह आज यहाँ किसानों के लिए हमने मनाया है, किसान और जवान दोनों हमने यहाँ सम्मानित किए हैं।